सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 मंजरी की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे गाज़ियाबाद ज़िले में एक ब्लॉक है रजापुरा, वहाँ के उच्च प्राथमिक विद्यालय मसूरी की शिक्षिका सर्वरी सिंह ने भेजा है। काफ़ी इनोवेटिव टीचर्स हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है शिक्षण योजना को बनाने में। इसके लिए सर्वरी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और मुझे मेरे चैनल पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। क्योंकि मेरे द्वारा आपके द्वारा भेजी गई शिक्षण योजना को अगर मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए जानते हैं कक्षा 8 मंजरी की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, दीक्षा और मानव संपदा संबंधित वीडियो या आपकी शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं आपको ये एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 8 मंजरी की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। ये एक कविता है और इसकी शिक्षण योजना ये सर्वरी सिंह ने बनाई है। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है, गाज़ियाबाद जिले के बहुत ही इनोवेटिव टीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप 4 कॉलम बना लेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक में आप खाली छोड़ देंगे, विषय में कक्षा में 8 लिख देंगे और विषय जो आपका मंजरी होगा और प्रकरण होगा उसका पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, और समय आपका 35 से 40 मिनट आपका होगा। उसके बाद सबसे पहले लर्निंग आउटकम या सीखने का प्रतिफल। तो लर्निंग आउटकम में बच्चे गद्य पद की विभिन्न विधाओं में लेखन के विभिन्न तरीकों या शैलियों को पहचानते हैं, जैसे वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक या प्रकृति चित्रण आदि, और उन्हें स्पष्टता से बता पाते हैं। बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को हरा भरा रखने का भाव जागृत होगा और प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित होगा। ये इसका होगा लर्निंग आउटकम या कह दें सीखने का प्रतिफल। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है प्रकरण। प्रकरण में होगा आपका पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। कवि इनके हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इसके कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में आपकी मोबाइल फोन आप यूज करेंगे, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री जो भी होगी उसको यूज करेंगे, चार्ट होगा, प्रकृति चित्रण और पेड़ पौधे संबंधी चार्ट आप लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। तो इसके 4 कॉलम होंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले 3 चरण होंगे हमारे, सीखने के आरंभ में, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका द्वारा बच्चों को प्रकरण से संबंध करने हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपकी 5 मिनट के लगभग लगेंगी और आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर एवं सहभागिता। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बच्चे बता देंगे, हमें सांस लेने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, यानी हम सांस लेने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हमें अपने भोज्य पदार्थ यानी फल और सब्जियाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे और कुछ प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाएंगे। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर शिक्षिका बच्चों को आज के प्रकरण पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता से जोड़ेंगी। तो ये आपका पहला चरण हुआ। दूसरा चरण आता है शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के दौरान शिक्षिका द्वारा बच्चों को बताया जाएगा कि इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है, यानी कवि ने बताया कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। शिक्षिका द्वारा उचित भाव, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। कतिपय बच्चों द्वारा
कविता का अनुकरण वाचन भी कराया जाएगा। कुछ बच्चों से आप अनुकरण वाचन भी कराएंगे। शिक्षिका द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ श्याम पट पर लिखवाया जाएगा। शिक्षिका द्वारा कविता का भावार्थ सरल शब्दों में उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। इसमें आपकी 25 से 30 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका आपका क्या होगा, अवलोकन। उसके बाद आप एक गतिविधि भी करा सकते हैं बच्चों को, कक्षा को दो समूह में विभाजित करके एक समूह को पेड़ के चित्र बनाकर पर्यायवाची शब्द और दूसरे समूह को पांच वाक्य लिखने को कहा जाएगा। शिक्षिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें भी आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका आपका निरीक्षण और प्रोत्साहन होगा। इसके साथ साथ एक दूसरी गतिविधि करेंगे आप, विषय वस्तु को और अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षिका द्वारा बच्चों से पेड़ पौधे संबंधी पहेलियां पूछी जाएंगी। क्या क्या पहेलियां पूछ सकते हैं? मेरा नाम से रंग कहां जाता, 3.5 अक्षर का नाम आता, मेरा फल खाया है जाता, शरबत में भी काम आता। इस तरह की कवि पूछेंगे तो बच्चे हो सकता है ना बता पाए, तो आप फिर बच्चों को बताएंगे कि नारंगी, यानी मेरे नाम से रंग कहा जाता, नारंगी रंग होता है, 3.5 अक्षरों का नाम आता, 3.5 अक्षरों का नाम है, मेरा फल खाया जाता, फल भी खाया जाता है, शरबत में भी काम आता। केरल का राज्य वृक्ष कहलावे, 4 अक्षर उनके नाम में आवे, इसके फल का कवच कठोर, तोड़ने वाला लगाए जो। ये भी बच्चे बता देंगे कि नारियल। हरी भरी हरी थी मन भरी थी, राजा के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी मक्का। तो ये इसमें आप बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और बच्चों की सहभागिता और उत्तरों द्वारा आप आकलन करेंगे। तो आपका ये द्वितीय चरण आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण के उपरांत शिक्षिका द्वारा पाठ्य सामग्री की परख के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यदि पेड़ न होते तो मनुष्य का जीवन कैसा होता, कविता में कवि की क्या चिंता है, कवि क्या विनती कर रहा है, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर द्वारा। उसके बाद बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य या गृह कार्य दिए जाएगा। कविता को चार्ट पर लिखकर लाने को कहा जाएगा कि आपको कविता जो है चार्ट पर लिख के लानी है। प्रश्न पत्र उत्तर नोटबुक में लिखकर लाने को कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षक की आगामी योजना। बच्चों के संप्राप्ति स्तर को देखकर आगामी शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। तो साथियों, ये आपकी शिक्षण योजना हुई कक्षा 8 की, जिनको सर्वरी सिंह जी ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, जो गाजियाबाद में जिले में शिक्षिका हैं, काफ़ी इनोवेटिव शिक्षिका हैं। साथियों, जिस तरह से सर्वरी सिंह जी ने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाकर मुझको भेजी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षण योजना भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ, आपके पास कोई इस तरह की शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मेरे द्वारा अपलोड की गई एक शिक्षण योजना से कम 500 से 600 शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।